दोस्तों, अगर आप एक सेकेंड हैंड या फिर न्यू आईफोन परचेस किए हैं या फिर पहले से आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको आवश्यकता है कि आप अपने एंड्रॉयड के सभी कॉन्टैक्ट नंबर को अपने आईफोन में ट्रांसफ़र करें, तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हाउ टू ट्रांसफ़र ऑल कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम एंड्रॉयड टू आईफोन। कैसे करना है, बहुत सिंपल सा स्टेप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस को ओपन कर लो। कॉन्टैक्ट्स का एप्लीकेशन है, इसमें आपके सभी कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिलेंगे, जो कुछ इस टाइप इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा डिपेंड ऑन एंड्रॉयड डिवाइस। तो यहाँ मैं सैमसंग S21 Plus यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 बार जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर आप अदर डिवाइस यूज़ कर रहे हो, मतलब एंड्रॉयड के, तो यहाँ पे 3 डॉट भी हो सकता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ सेटिंग्स ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे जो सैमसंग का है, तो यहाँ पे 3 बार पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मैनेज कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस ओपन होकर आ जा रहे हैं। हमें कॉन्टैक्ट नंबर को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑल कॉन्टैक्ट में 346 कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज SIM1 और eSIM1 में कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो कहाँ आपने सेव किया और कहाँ से आपको एक्सपोर्ट करके भेजना है अपने आईफोन में, तो यहाँ पे इंटरनल डिवाइस में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन सबको मैं ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ पे इंटरनल पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे आप देख पा रहे हो कि नोटिफिकेशन में यहाँ पे सभी कॉन्टैक्ट नंबर, जो 346 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो सभी नंबर ट्रांसफ़र हो रहा है बहुत फास्ट से, जो .VCF फाइल पर कन्वर्ट हो रहा है। और ये जाएगा कहाँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू योर इंटरनल स्टोरेज में चला गया है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ जो ओके वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद आपको जाना है माई फाइल्स पे, तो मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे माई फाइल्स पे आपको जाना है या फाइल मैनेजर पे जाना है। फिर आप यहाँ इंटरनल स्टोरेज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ डेटा कहाँ हमने सेव किया है, तो यहाँ पे डाउनलोड्स पे गया हुआ है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे contact.VCF फाइल है, इस पर सेलेक्ट करेंगे और शेयर करेंगे इस कॉन्टैक्ट नंबर को अपने आईफोन में। शेयर का जो जरिया होना चाहिए वो व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर व्हाट्सएप पे शेयर करो तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। डेमो के लिए देख सकते हो आप कि किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फाइल नॉट बी सपोर्टेड, फाइल सपोर्टेड नहीं है, तो भेजेंगे कैसे। लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें इसको वाया मेल, मेल के थ्रू भेजना है। तो मैं जीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ, या फिर आप ड्राइव पे भी कर सकते हो। तो जीमेल पे मैंने क्लिक किया। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, वो ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी से आपने अपने एंड्रॉयड में जीमेल आईडी ओपन किया है, तो वही डालना है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो 2 वाला सेक्शन है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब ये contact.VCF फाइल है, कुछ भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, नो सब्जेक्ट। और फटाफट वहाँ पे जो शेयर वाला ऑप्शन है, इस पे आपको टैप करना है, क्लिक करना है। अब ये जो है फाइल चला गया आपके आईफोन में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मी नो सब्जेक्ट जो 7:59 PM पे आया है। खैर, क्या करना है हमें, अभी इस आईफोन में हम देख लेते हैं कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर है या नहीं है। तो अभी पहले से बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर, इन सबको पहले मैं डिलीट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें आता है। क्या करते हैं, इसके लिए सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर दयानंद विश्वकर्मा का जो प्रोफाइल है, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आई क्लाउड का सेक्शन, जो 5 GB तक जो डेटा है वो फ्री में मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे डिसेबल करोगे तो सभी कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो जाएंगे। तो यहां पे डिलीट फ्रॉम माय आईफोन, इस पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो सभी कॉन्टैक्ट नंबर यहां से परमानेंटली रिमूव हो गए। अब चेक कर लेते हैं कि है या नहीं है, तो नो कॉन्टैक्ट, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। लेकिन लेकिन हमें क्या करना है कि वापस से कॉन्टैक्ट नंबर लाना है। तो अभी जो मैंने मेल किया है उस वाले सेक्शन पर जाएंगे, तो जीमेल पर मैंने क्लिक किया। यहां पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो नो सब्जेक्ट है उस पर आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे contact.VCF फाइल है, इस पर आप टैप करोगे। नो, यहाँ पे contact.VCF का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे शेयर पे आप जब क्लिक करोगे, यहाँ पे सैमसंग हेल्पलाइन जो है डेमो के सैम्पल उस तौर पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है, मतलब जो हमारे एंड्रॉयड में था वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें आ गए हैं। लेकिन इसमें जितना नीड है उतना नंबर आप सेव कर सकते हो, चाहो तो आप पूरा नंबर सेव कर लो। इसके लिए आप ऐड ऑल 346 कॉन्टैक्ट पे आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड ऑल 346 कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद से फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे। अब आपके फ़ोन में ये आ गया है। चलिए इसको हम, मैं जो है कट करके हटाता हूँ और देखता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर एक्चुअल में आया है या नहीं है। तो यहाँ पे हम जाएंगे
कॉन्टैक्ट पे। अब देख पा रहे हो कि सभी कॉन्टैक्ट नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें एंड्रॉयड से जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ट्रांसफर करना है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।